हाँ आंसर हो जाएगा -314। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। -95, -35। -95 एड 95 -35 means we will add -95 and -35। हम लोग इस तरह से लिख लेंगे एज इट इज शोन। फर्स्ट नंबर -95, देन साइन प्लस एंड वी हैव टू ऐड -35। -95 में हमको ऐड करना है -35। अब यहाँ पे दो साइन एक साथ दिख रहे हैं, एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है, तो प्लस माइनस मैंने अभी माइनस अभी बताया था। अगर दो साइन अलग अलग दिखेंगे तो आंसर माइनस में रहता है, तो ये बन जाएगा -95 -35। अब इन दोनों नंबर्स के पास साइन अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? 95 का भी साइन माइनस में है, 35 का भी साइन माइनस में है, दोनों साइन एक जैसे हैं। तो हमेशा एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, प्लस कर लेंगे, दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का डालेंगे। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 5 = 10, 9 + 3 = 12, 1 = 13, लेकिन साइन बड़े नंबर का, 95 बड़ा है। तो दो नंबर्स अगर दोनों के ऊपर साइन एक जैसे हो तो हम ऐड करते हैं, ऐड करके, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का डाला जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? कंप्लीटेड? देन डी पार्ट। -6952। Now we have to add both numbers. First number 6951 +6952. Now 6951, both signs are different. Both signs are different, so minus sign 6952. इन मिडिल बीच में देख रहे हैं दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए दोनों के बीच में माइनस साइन आ गया। अब
6951 का साइन आगे देखेंगे, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, और 6952 का साइन निगेटिव है। एक नंबर पॉजिटिव हो गया, एक नंबर निगेटिव हो गया, तो प्लस माइनस बोथ साइंस आर डिफरेंट। जब दोनों साइंस डिफरेंट हैं तो हमको क्या करना होता है, माइनस करेंगे दोनों नंबर्स को। दोनों नंबर्स को माइनस कर दीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है। हाँ डिफरेंस माइनस करेंगे तो वन आएगा, और साइन बड़े वाले नंबर का डाल देंगे। अगर दोनों साइन अलग हैं तो माइनस कीजिए, और माइनस करने के बाद बड़े वाले नंबर का साइन डाल देंगे। ओवर। देन ई पार्ट, वन थाउजेंड वन कॉमा माइनस हंड्रेड एंड वन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। फर्स्ट यू विल राइट 1001 प्लस ब्रैकेट माइनस हंड्रेड एंड वन। नाउ 1001 प्लस माइनस माइनस। नाउ बोथ नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट साइन, दोनों नंबर्स पे अलग अलग साइन है। हम दोनों को माइनस करेंगे, वन माइनस वन जीरो, जीरो जीरो माइनस वन नॉट पॉसिबल, सो नाइन। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर दोनों में 1001 है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 900, पॉजिटिव 900। माइनस 900 आएगा, माइनस नहीं आएगा। 1001 और 101 में बड़ा 1001 है, दोनों नंबर्स पर साइन अलग अलग हैं। 1001 पर पॉजिटिव साइन है, 101 पर निगेटिव है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा नंबर 900 है, बड़ा नंबर सॉरी 1001 है, इसलिए उसका साइन डाल देंगे। इज इट क्लियर। ओके। नाउ एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या करेंगे, सबके पास बुक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एफ पार्ट, एनीवन हु कैन टेल व्हाट। बोथ नंबर्स आर हैविंग, यस बोथ नंबर्स आर हैविंग सेम साइन, सो वी विल ऐड एंड वी विल पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब आंसर निगेटिव में आएगा। इज इट क्लियर। दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए और साइन माइनस का डाल देंगे। जी वाले में माइनस 1000, जी वाले पार्ट में तीन नंबर्स दिए हैं, -419, 386 और 419। जी पार्ट में -419, 386, 419, थ्री नंबर्स आर गिवन, वी हैव टू सॉल्व। -419,
प्लस 386 प्लस 419, ये हो जाएगा 3 नंबर्स के आगे साइन लग गया। 419 माइनस में है, 386 प्लस में है, फिर 419 माइनस में है। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, यहाँ 419 माइनस में है, यहाँ पे 419 प्लस में है। दोनों नंबर्स, एक नंबर प्लस में, एक नंबर वही चीज माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर चीजें वही हो, दोनों साइन अलग अलग हो, तो उनको माइनस करते हैं या कैंसिल कर देते हैं। बोथ नंबर्स आर हैविंग सेम, बोथ नंबर्स आर सेम एंड हैविंग अपोजिट साइन, एक निगेटिव में है और वही नंबर एक बार पॉजिटिव में है, तो दोनों नंबर आपस में कट जाते हैं, तो बचा हुआ ही पार्ट हमारा आंसर होता है। तो आंसर हो जाएगा 386। क्लियर? Then H part minus 19, 158 minus 103. We are having three numbers, minus 19, 158 and minus 103. We have to solve it. Minus 19. 158, that is minus 19, 158 minus 103. अब now after seeing this question, दो numbers पर sign एक जैसे हैं, दो numbers और वो दो numbers एक जैसे sign है, किस किस number का sign एक जैसा दिख रहा है? हाँ, तो इन दोनों को पहले ऐड, यस, तो 19 और 103 का साइन एक जैसा है, इसलिए उन दोनों को ऐड कर लेंगे और ग्रेटर साइन पुट करेंगे। तो 3 प्लस 9 12, 1 1 1 2 1, दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया 122। जब 103 में 19 को ऐड किए तो 122, उसका साइन बड़ा नंबर 103 है, माइनस डाल दिए। अब नाउ बोथ नंबर्स आर डिफरेंट एंड हैविंग डिफरेंट साइन, यहाँ पे दोनों नंबर्स के ऊपर साइन अलग अलग हैं, तो प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, और साइन बड़े वाले नंबर का, तो 8 में से 2 गया 6, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर विल कम 36। ओवर, so rest two parts you will be doing by yourself later on. Now we are going to study the properties of addition. We are going to study properties of addition. हम लोगों ने lower classes में भी
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ा हुआ है. वी ऑल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्या है कि यदि हम किसी भी दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमेशा आंसर क्या रहता है? सेम. मालूम है ना, प्रॉपर्टीज, अगर हम दो नंबर्स को किसी वे में ऑर्डर में ऐड करें तो हमेशा जो आंसर रहता है, सम मिलता है, वो सम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है कि नहीं? जैसे 2 + 3, 2 में 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 3 में 2 को जोड़ेंगे. मीन्स एडिशन, एडिशन जो होता है वह कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए. दो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, सम में चेंजेस नहीं आता है. ठीक है? इज इट क्लियर? अगर किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमको आंसर वही नंबर मिलता है. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. एडिशन का जो जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. यदि किसी नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो हमारा जो एडिशन है वही नंबर मिलता है जो नंबर दिया रहता है, वो चेंज नहीं होता. ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर में पढ़ा है ना? तो सेम प्रॉपर्टी हैं वो सारे. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड फॉर द होल नंबर आल्सो एंड फॉर द नेचुरल नंबर्स आल्सो. एंड सेम इज आल्सो इन इंटीजर्स आल्सो. कोई चेंजेस नहीं आता है, सारे प्रॉपर्टीज सेम है. इसलिए वर्कशीट नंबर 4 निकाल लीजिए. वर्कशीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 इन वर्कशीट 4? यस, वी हैव टू ऐड द गिवन नंबर्स इन टू वेज. हमको इन नंबर्स को ऐड करना है दो तरीके से. यहाँ पे नंबर दिया -32 और 50. तो फर्स्ट वे, वन वे, मतलब पहला तरीका. एक बार हम -32 में ऐड कर लेंगे 50 को. एक बार -32 में ऐड कर लेंगे 50 को. दोनों नंबर पे साइन सेम है कि डिफरेंट है? जब भी डिफरेंट रहता है क्या करते हैं? माइनस. तो 50 में से 32 को माइनस कर दिए, कितना आ गया? 18. और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है इन दोनों में? 50. तो आंसर पॉजिटिव आया. हाँ, तो जब दोनों नंबर्स को सॉल्व किए तो हमको आंसर कितना आ गया? समझ आ गया? ये तो पहला वे था, ये पहला तरीका था दोनों नंबर्स को ऐड करने का, कि हम लोगों ने ऑर्डर नहीं बदला. ठीक है? दूसरा तरीका ये है, हम लोग सेकंड तरीका में क्या करेंगे? सेकेंड वे में लिख देंगे
से ऐड करेंगे माइनस 32। अभी हम लोगों ने क्या किया था, जो ऑर्डर में क्वेश्चन दिया था उसी से कर लिया था, अभी हम लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं कि हम 50 में से 50 को ऐड करेंगे किस में, माइनस 32 में। तो पढ़े हैं कि अगर दोनों साइन, यहाँ पे दो साइन अलग अलग आ गए तो प्लस माइनस, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट फर्स्ट केस में क्या किए, माइनस 32 में ऐड किए हैं 50 को, और सेकंड केस में 50 में ऐड किए हैं माइनस 32 को, और दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आया है, डिफरेंट और सेम। हाँ, इन बोथ केसेस सम आर सेम, आंसर हमारा एक जैसा रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन में हमको यही मेथड लगाना है। अभी क्वेश्चन नंबर वन में दो नंबर्स को ऐड करना है, एक बार फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को सॉल्व करना है, दूसरे में सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है? बी पार्ट, बी पार्ट में दिया है माइनस 81 कॉमा माइनस 79। तो फर्स्ट वे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे में माइनस 81 में ऐड करेंगे माइनस 79 को, प्लस माइनस माइनस दोनों में साइन माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए और साइन बड़े वाले नंबर का डाल देंगे, तो 9 1 10 8 7 15 1 16, तो आंसर हो जाएगा माइनस 100। एंड हमको आंसर मिल गया माइनस 160। अब समझ आ गया, इज इट क्लियर? अब सेकेंड वे में क्या करना होगा, सेकेंड वे में हमको माइनस 79 में ऐड करना होगा माइनस 81। सेकेंड के सेकेंड वे में माइनस 79 से हमको ऐड करना होगा माइनस 81। चूंकि अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, दोनों साइन अलग हैं, इसलिए साइन माइनस का आया। अब दोनों दोनों नंबर्स को अब ऐड कर लेंगे, और साइन बड़े वाले नंबर का, इज इट क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन टू वेज, आपको फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन टू वेज में सॉल्व करना है, ठीक हो जाएगा? नाउ क्वेश्चन नंबर टू, वन वाला टू पार्ट होमवर्क है, जब नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। वर्कशीट फोर का क्वेश्चन नंबर टू,
राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए नंबर्स का एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स में केवल जो नंबर दिया है उसका साइन चेंज कर दीजिए, जो प्लस में दिया है वो माइनस साइन लगा देंगे, जिसमें माइनस दिया रहेगा उसमें प्लस लगा देंगे। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 31 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -31, क्योंकि वो +31 दिया है तो हमको साइन माइनस लगा देना। बी पार्ट का एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 दैट विल बिकम +7। एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 -21। सो यस, सो यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन, आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव में दिया है तो आप निगेटिव में लिख देंगे, निगेटिव में दिया होगा तो आप उसको पॉजिटिव में लिख देंगे। इन सच अ वे यू विल फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। आ गया, क्लियर है? यस, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। देन फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। यहां पर भी हमको समझ लो एडिशन ही करना है। क्या करना है? वी हैव टू ऐड, यहां पे भी हमको ऐड करना है। नंबर क्या क्या दिया है? फर्स्ट वाला ऑप्शन, एनीवन एल्स हु कैन रीड फर्स्ट में, यहाँ पर हमको बस नंबर ज्यादा दे रखे हैं लेकिन ऑपरेशन हमको वही लगाने हैं, एडिशन ऑपरेशन। तो थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है 200 प्लस माइनस 105 प्लस माइनस 36 इज द क्वेश्चन गिवन। यही क्वेश्चन गिवन है ना? क्वेश्चन इज गिवन एज 200 प्लस ब्रैकेट माइनस 105 प्लस माइनस 36। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, हमको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के बाहर देखें प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो यहाँ पे कितने साइंस हो गए एक साथ? हाउ मेनी साइंस आर गिवन टुगेदर? दो साइन तो होता नहीं है, दो साइन तो होता नहीं है, तो कितना बन जाएगा? हाँ, मैंने बताया था ना कि दो साइन अगर दिए हों और दोनों साइन अगर एक जैसे हों, एक जैसे होते हैं तो क्या हो जाता है, और अलग होते हैं तो क्या होता है? अलग होते हैं तो यहाँ पे ये एक प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों साइन अलग हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस। दोनों साइन अगर अलग होते हैं तो हमको साइन माइनस का डालना होता है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों साइन डिफरेंट हैं, इसलिए जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस साइन डालते हैं, जब दोनों साइन प्लस होते हैं या सेम होते हैं तो हम एडिशन डालते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट थे इसलिए साइन डाल दिए माइनस का। अब 200 माइनस 105 माइनस 36, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप पहले 200 से मान लो 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95।
15 में से 6 गया, 9। सो हाउ मच आंसर वी हैव गॉट?